नमस्कार बच्चों, आप लोग का फिर से स्वागत है आज मेरे चैनल पर। और आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही मजेदार कहानी लेकर आई हूँ। और मैं आपको ये वादा करती हूँ, ये कहानी सुनकर आप हंसी से लोटपोट हो जाएंगे। और जानना चाहेंगे ये कहानी किसके बारे में है? ये कहानी है कजरी गाय की और एक कौवे की। और कहानी का शीर्षक है कजरी गाय फिसल पट्टी पर। और मैं ये आशा करती हूँ कि आप सब लोग को फिसलपट्टी क्या है ये तो ज़रूर मालूम होगा, है ना? और ये भी मालूम होगा कि फिसलपट्टी पर कितना मज़ा आता है। चलिए देखते हैं कि कजरी गाय और कौवा क्या क्या मस्ती कर रहे हैं फिसलपट्टी पर। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। गर्मियों की सुहानी शाम थी, हरी भरी घास पर लेटी गायें जुगाली कर रही थी, बस एक कजरी गाय को छोड़कर। वह पेड़ों के एक घने झुरमुट के पीछे से सामने फैले तालाब को निहार रही थी। आकाश में सूरज काफी नीचे आ गया था, तालाब से पानी छप छपाने की ओर हंसी की आवाजें आ रही थी। वहां बच्चे जो तैर रहे थे। और देखते हैं फिर आगे क्या हुआ। फट 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 एक कौवा वहां उड़ता हुआ पहुंचा। हेलो कौवे, अच्छा हुआ कि तू आ गया, कजरी गाय बोली। हेलो कजरी गाय, अब क्या हुआ? देखो तो सही कौवे, सामने क्या है? हाँ हाँ, कौवे ने कहा, मेरी नजर बड़ी तेज है। अपने सींग हिलाकर कजरी गाय ने इशारा किया, फिसल पट्टी। उन्होंने पानी के किनारे एक फिसल पट्टी खड़ी कर दी है। अच्छा, कौवा बोला, मैं तो सारा दिन यही खड़ी बच्चों को खेलते देख रही हूँ, कजरी गाय ने उसे बताया। लगता है बड़ा मजा आता है ना कौवे? और अब देखा, बच्चे शायद घर लौट रहे हैं क्योंकि सूरज ढल रहा है। कजरी गाय के लिए अब सीधा खड़ा रहना मुश्किल था, वह ऊपर नीचे कूदने लगी। कौवे, अब हमारी बारी है। नहीं, कौवे ने कहा। नहीं क्या मतलब है तेरा, कजरी गाय ने पूछा। कजरी गाय, तुम्हें गाय हो, पर यह फिसल पट्टी उन्होंने हमारे मैदान में लगाई है, इतना तो तुझे मानना ही होगा कौवे, कजरी गाय ने जोर देकर कहा। और देखो अब आगे क्या हुआ फिर। गाय गाय, यह बच्चों के लिए है कजरी गाय, बच्चे अक्सर यहाँ तैरने आते हैं, बच्चों को इस पार फिसलने में बड़ा मजा आता है, तभी तो यह यहाँ लगाई गई है, इसलिए नहीं कि हरा भरा मैदान है, कुछ आया तुम्हारी समझ में? चलो वहाँ नीचे चलें, कजरी गाय ने कहा। फिसल पट्टी की ओर वह मन बनाकर दौड़ निकली। उसके गले की घंटी आगे पीछे झूल रही थी, टिंग 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 टिंग। पीछे से कौवा उड़ता हुआ आया। वहां जाओ ठीक है, पर फिसल पट्टी पर चढ़कर फिसलने की कोशिश ना करना, गाय के लिए वह काफी तंग है, गाय का बाड़ नहीं संभाल पाएगी। ऊपर जाने की सीढ़ियां तो है, पर तुम उन पर चढ़ नहीं पाओगी कजरी गाय। पर कजरी गाय तो फिसल पट्टी के पास जाकर रुकी, उसने ऊपर देखा। उफ, मुझे पता ही नहीं था कि यह इतनी ऊंची है कौवे। सुन, वह मिनट भर सोचती रही। अब यह ना कहना कि मैं धक्का दूं, कौवे ने कहा, मैं धक्का नहीं दूंगा, यह असंभव है, कौवा गाय को धक्का नहीं दे सकता, मुझ में इतनी ताकत नहीं है। कजरी गाय ने उस पर दया भरी नजर डाली। नहीं होगा ना तुझसे बेचारा, कौवा कहता है मुझसे नहीं होगा, कौवे ने पूछा। ताकतवान अगर मैं नहीं तो कौन है? एकदम जोर से और बहुत तेजी के साथ उसने कजरी गाय को सीढ़ियों से ऊपर ढकेला। खड़खड़ाहट का शोर और हाफने की आवाजें सुनाई दी। माँ मेरी, कजरी गाय बोली, लुट चल गई मैं ऊपर। कौवे, यह तो बड़ा झटपट हुआ, तेरी ताकत का तो जवाब नहीं। जवाब में नीचे से सिर्फ जोर जोर से हाफने की आवाज सुनाई दी। थैंक्स कौवे, कजरी गाय बोली, तू वाकई बहुत अच्छा है, क्या तू अब थक गया?
कौवे से जवाब नहीं देते बना। वह हाँफता रहा। कजरी गाय फिसल पट्टी पर चढ़ तो गई, पर वहां जगह की तंगी से उसके पैर लड़खड़ाने लगे। रेलिंग उसके दोनों तरफ से कसकर पकड़ा था, हवा से बाल उड़ रहे थे। जब नीचे देखा तो चक्कर सा आ गया। कजरी गाय ने जैसे ही नीचे देखा उसको चक्कर आ गया। ओए, मैं तो गिर रही थी, कजरी गाय बुदबुदाई। यह तो बहुत ऊंचा है। उफ, उसने रंभाकर सांस ली। इस जगह अपना संतुलन रखना मुश्किल है, पता नहीं ये बच्चे कैसे कर लेते हैं। शायद इसलिए कि उनके कुल 2 पांव होते हैं और मेरे तो 4 हैं। इसलिए तो यहाँ ऊपर जगह ही नहीं है। नीचे देखकर उसने पुकारा, देख कौवे, मेरी तरफ देख तो सही। कौवा अब भी चारों खाने चित्ता, आगे खिसको और नीचे फिसलो, उसने एक पर हिलाते हुए कहा। लेकिन तुझे देखना होगा, कजरी गाय ने चिल्लाकर कहा, वरना नीचे फिसलने का कोई फायदा ही नहीं। मैं देख रहा हूँ, कौवे ने उसे विश्वास दिलाया। कौवा चाहता था कि कजरी गाय जल्दी से फिसले और खत्म करे। कजरी गाय फिसल पट्टी पर आगे नीचे की ओर झुकी। यह तो बड़ी तंग है, क्या मेरे फिसलने के लिए सचमुच जगह है? बस फिसलो नीचे, कौवे ने उसे कहा। और बीच का हिस्सा थोड़ा उठा हुआ भी तो है, कजरी गाय बोली, उसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं। फिसलो नीचे, कोई आ सकता है। बहुत अच्छा, इसका मतलब यही हुआ कि ज्यादा लोग देखेंगे, कजरी गाय ने जवाब दिया। काए काए, मुझे उसी बात की तो चिंता है। कजरी गाय ने हिम्मत बांधी, अब मैं करने जा रही हूँ कौवे, मैं नीचे फिसल रही हूँ सचमुच। हाँ, 1 2, उसने अपनी आंखें बंद की और पीछे की और झुकी, आगे खिसकना शुरू किया धीरे धीरे धीरे, लेकिन फिर जल्दी से वह अपनी जगह लौट गई। सुन कौवे, उसने पुकारा, तू वहां नीचे जाकर देख कि पानी कितना गहरा है, मतलब मैं कहां जाकर गिरूंगी। गाय बहुत डरी हुई थी। नहीं, ऐसे तो मैं पूरा भीग जाऊंगा, कौवा नाराज था, झल्लाया हुआ। वाकई तू क्यों भीगना चाहेगा, मैंने यूं ही सोचा, कजरी गाय फिर अपने आप से बोल रही थी। पूंछ को बचाना होगा, चोट लगी तो खैर नहीं। फिसलो नीचे, कौवा चिल्लाया। आई कौवे, मैं आ ही रही हूँ, जल्दी आ जाओ, कौवा फिर से चिल्लाया। कजरी गाय थोड़ा सा पीछे नीचे को खिसकी। अब वह अपनी पिछली टांगे सामने फैलाकर और पूंछ सीधी पीछे खींचकर बैठी थी। उसने अपनी आंखें बंद नहीं की थी। मुंह 1 2 3, उसने अपनी सींग हिलाते कहा, जो भी हो लो मैं आई। पूरे तालाब पर धड़ाम की आवाज फैली और साथ जोरदार खड़गड़ाहट भी, जैसे कोई भारी चीज पानी में गिरी हो। ढेर सारा पानी उड़ाते कजरी गाय तालाब में जा गिरी थी। वह इतना हंस रही थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था, इतनी जोर जोर से कजरी गाय हंस रही थी। और देखो कजरी गाय की क्या हालत हुई, जब मुड़कर फिसल पट्टी को देखा तो घबरा कर बोली, अरे ये क्या हुआ, हे भगवान, कौवे देख क्या हुआ। कौवा अपने पंख कमर पर रख खड़ा हुआ, अरे बाकी जरा देखो तो क्या हुआ, उसने हामी भरी। कजरी गाय पानी में उठकर खड़ी हो गई, फिसल पट्टी बिल्कुल सीधी हो गई। उसने गौर से देखते हुए कहा, का मैं जानता था ऐसा ही कुछ होगा, कौवा भुन भुनाया। कौवे यह तो सीधी सपाट हो गई है। मैंने कहा था मैंने तुम्हें, मैं शुरू से कह रहा था, पर तुम सुनने को कब तैयार थी। कजरी गाय बहुत उदास हो गई, पर यह फिसल पट्टी तो सीधी हो जाएगी ना, और बच्चे कौवे बच्चों का क्या होगा, वे तो इस पर सपाट फिसल पट्टी पर खेलेंगे कैसे, खेल ही नहीं पाएंगे। कानों से पानी टप टप गिर रहा था, सींग झुके हुए से लग रहे थे। कजरी गाय बहुत उदास हो गई थी, क्योंकि फिसल पट्टी सीधी हो गई और उसे बहुत बुरा लग रहा था कि बच्चे कैसे फिसल पट्टी पे फिसलेंगे और मजा करेंगे, उसको बहुत दुख हो रहा था।
तुम्हें इसके बारे में पहले ही सोचना चाहिए था। कौवे ने उसे डांटा। मैंने अपनी आप को तुमसे यह कहते सुना था, पर कौवे तुझे कुछ तो करना ही होगा। कजरी गाय ने जिद की। कौवे ने पीठ फेर ली। असंभव, आप कोई कुछ कर नहीं सकता। बच्चे इस फसल पट्टी पर कभी फिसल नहीं पाएंगे। हो सकता है कि वह इसे उठाकर फेंक दें। गाय ने उदासी से रंभा कर कहा, यह तो गजब हो गया। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। घास पर बैठी कजरी गाय पछतावे में सिर हिला रही थी। ना जी ना, इसे ठीक करने का कोई आसान तरीका नहीं है, कौवे ने ऐसा कहा। वह उसके सामने चहलकदमी करता सोचने लगा। हवा में कुछ इशारे करता रहा, पंख फड़फड़ाता रहा। उसकी थकान जाने कहां भाग गई थी। तो चलो मुश्किल तरीका ही सोचे, कजरी गाय ने कहा कौवे से। तुझे मुश्किल तरीके ढूंढने निकालने खूब आते हैं। कौवा सीधा खड़ा हो गया। उसने अपना गला साफ किया। ठीक है, जरा सोचने दो, तब तक तुम चुपचाप बैठी रहो, ऐसा कौवे ने कजरी गाय को कहा। गाय ने रंभा कर हामी भरी। बेचारी कजरी गाय बहुत दुखी थी, तो कौवे ने जो बोला कजरी गाय ने उसको सुना। यह कौवा सोच रहा है, उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और अपने पंख पीछे पीठ पर बांधे। वह चहलकदमी कर रहा था। हमें इसे क्रेन लगाकर ऊपर उठाना होगा, एक बड़ी सी क्रेन, और फिर इसके नीचे हम एक जैक लगा देंगे और बड़े बड़े वजन लटकाकर दोनों सिरों के नीचे की ओर मोड़ेंगे। वह बुदबुदाया। पंखों को मोड़ उनका तकिया बनाकर वह पीठ के बल लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। कजरी गाय ने रंभा कर पूछा, अभी तेरा सोचना खत्म हुआ कि नहीं? मिल रही है क्या कोई जुगत? नहीं, मैं बीच में जरा आराम कर रहा हूँ। तभी कजरी गाय को कुछ सूझा। आप सोच सकते हैं कजरी गाय को क्या सूझा? पता नहीं, कौवे मैं सोच रही थी। मैं जरा झपकी ले रहा हूँ, कौवे ने कहा। उसकी आंखें अभी भी बंद थी। अगर हम, कजरी गाय ने फिर कोशिश की कौवे को कुछ बोलने की, बट कौवा था कि वो बिल्कुल सुनने को राजी ही नहीं कि कजरी गाय क्या कहना चाह रही है। वो तो बस अपने मुश्किल तरीकों के बारे में ही सोची जा रहा था। अब देखो कजरी ने उसको क्या बोला। चुप रहो, यह कौवा सोच रहा है, वह बोला, पर तस्वीरें और आकृति बना रहा था। हेलीकॉप्टर उसके मुंह से निकला। एक हेलीकॉप्टर से हम इन दोनों सिरों पर बड़े बड़े वजन डालेंगे। इसके बीच का हिस्सा पहले जैसा ऊपर उठ जाएगा। तभी कौवे के पीछे से भरी कड़कड़ाहट की आवाज आई। ये लोहे की मुड़ने की आवाज थी, पर कौवे ने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। कौवे ने नहीं सुनी, उसने अपना काम जारी रखा। दो हेलीकॉप्टर मिल जाएं तो बहुत ही बेहतर होगा। तभी कजरी गाय आकर उसके सामने खड़ी हो गई। वह डूबते सूरज के ठीक सामने खड़ी थी। उसके चारों तरफ धूप चमचमा रही थी और उसकी छांव कौवे पर पड़ रही थी। मुड़कर तो देखो कौवे, कजरी गाय ने उसको कहा। चुप रहो गाय, मैं सोच रहा हूँ, बोला ना तुमको। पर हमारा काम तो हो गया, कजरी गाय ने दोस्त की तरह कहा। कौवा फिसल पट्टी को देखता ही रह गया। वह बिल्कुल पहले जैसे लग रही थी। ढलती धूप में वह चमक भी रही थी। क्या, जरा मेरे पंख तो नोचो, यह तो ठीक हो गई। मैंने बस पीछे से दुलती मारी पूरा दम लगाकर और यह फिर से मुड़ गई, कजरी गाय ने बताया। कौवा चुपचाप खड़ा सुनता रहा। पर तुम ऐसा नहीं कर सकती, उसने विरोध किया। उसके पंख उसकी बगल में लटक रहे थे। खैर जो भी हो, अब बीच का हिस्सा तो ऊपर उठ ही गया है, जैसा कि होना चाहिए, कजरी गाय ने कहा। हाँ, पर अभी तो मैंने इतनी मुश्किल से हल ढूंढा था, कौवे ने रुआसा होकर कहा। और तुम हो कि पिछले पैरों से दुलती लगाकर काम तमाम कराई, कितनी आसानी से, यह कोई मजाक है क्या? तुम्हें लाते मारकर सब करना आता है तो मैं सोचने पर दिमाग क्यों लगाऊं?
मैं अब यहाँ नहीं रुकना चाहता, मैं घर जा रहा हूँ, अलविदा। फट 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 कौवा उड़ गया। अलविदा, कजरी गाय ने कहा, पर उसने नहीं सुना क्योंकि वह तो कौओं के जंगल में पहुंच चुका था। कजरी गाय ने आहा भरी। बच्चे जब फिसल पट्टी पर खेल रहे थे तो कितना मजा आ रहा था। मैं तो एक बार फिसल कर देखना चाहती थी। यह तो नहीं कि फिसल पट्टी ही एकदम खराब हो जाए और सीधी हो जाए, पर अब बच्चे जब कल यहाँ आएंगे तो फिर से खेल पाएंगे। कजरी गाय तालाब किनारे जा बैठी और उस पार पेड़ों के पीछे डूबते सूरज को देखती रही और सोचती रही। खैर, सबसे जरूरी बात तो ये है कि बच्चे अब खेल सकेंगे, और कजरी गाय बहुत खुश हुई। तो बच्चों, कजरी गाय अब बहुत प्रसन्न थी क्योंकि फिसल पट्टी वापस पहले जैसी हो गई थी, और उसको इस बात की खुशी थी कि बच्चे फिर से मजा कर पाएंगे और फिसल पट्टी पे फिसल पाएंगे बिना किसी मुश्किल के। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी आज की कहानी ज़रूर पसंद आई होगी और आपने उतना ही मज़ा किया जितना मुझे मज़ा आया इस कहानी को आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए। तो इंतज़ार कीजिएगा, मैं एक और मज़ेदार कहानी जल्दी ही लेकर आऊँगी आप सब बच्चों के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।